प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में पहुंच चुके हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री मौजूद है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है, जो बहुमत के आंकड़े यानी कि 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद शामिल है। गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ये दोनों पार्टियां भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके बिना भाजपा के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। आज की बैठक की शुरुआत स्वागत भाषण से शुरू हुई, जिसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन अमित शाह ने किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। सूत्रों के मुताबिक संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद गठबंधन के नेता आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। खबरें यही भी हैं कि मोदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। एनडीए की पहली बैठक 5 जून को प्रधानमंत्री आवास में शाम 4 बजे हुई थी। इस एक घंटे चली बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए थे और सभी ने मोदी को एनडीए का नेता चुना था। लेकिन आज की संसदीय दल की बैठक में मोदी को आधिकारिक तौर पर एनडीए का नेता चुना जाएगा। बुधवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर 17वीं लोकसभा भंग कर दी थी। हालांकि नई सरकार के गठन तक नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहेंगे।